नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर पेश हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पपरेल की खेती में ये गलती करने पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा। जिस प्लॉट में हम खड़े हैं वह एक अच्छे किसान साथी का खेत है, बाकी इस छोटी सी गलती की वजह से उसके जो पपरेल के खेत हैं, पेड़ हैं, वो पूरे ही ख़राब हो गए हैं। एक बार दोस्तों आप इधर दिखाइए प्लॉट में, दोस्तों ये देख सकते हो, ये पेड़ अब के साल की पेड़ हैं, 6 महीने हुए हैं अभी इस खेत को लगे हुए को, और आप पेड़ों की मोटाई देख सकते हो दोस्तों। आइयो जी कैमरा मैन जाग का, ये थोड़ा ये देख सकते हो पेड़ों की मोटाई भी कितनी ज़्यादा है, और ये सारा खेत लगभग ऐसे ही है दोस्तों। इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया खेत चल रहा था, बाकी थोड़ी सी लापरवाही क्या हुई उसका मैं आपको बताता हूँ। इस खेत में अब की बार बाढ़ से ज़्यादा हुई, बाढ़ से ज़्यादा होने की वजह से इस खेत में पानी खड़ा रह गया। दिखाइए कैमरामैन जी नीचे दिखाइए आप, ये देख सकते हो दोस्तों ये पानी, और आपको बता दूं कि पपरल की खेत पेड़ के लिए पानी बहुत पहले साल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक साल का पेड़ पलना जरूरी है दोस्तों। कोशिश करें कि अपने खेत में पानी की निकासी पूरी रखें ताकि आपके खेत में बारिश का पानी नीचे चले जाए, क्योंकि दोस्तों और एक किसान साथी की गलती है कि जो ये तरली टहनी है उसने सारी झांग दी। आप पहले साल कोशिश करें कि जो ये नीचे की टहनी है ये ना झांगे, क्योंकि जो नीचे की टहनी झांगेगी तो दोस्तों क्या होगा, पेड़ की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी और थोड़ी सी भी हवा चलने के बाद पेड़ हिल जाएगा। पेड़ हिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, उसकी जड़ टूट सकती है और टूटने के बाद वो पेड़ सूखने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी दोस्तों। और अभी इस किसान साथी ने क्या करा, जब इसके पेड़ ज़्यादा बढ़िया चल रहे थे, मोटे चल रहे थे और बारिशों की वजह से ये ज़्यादा हैवी हो चुके थे दोस्तों, फिर इसने इस किसान साथी ने क्या करा, ये इससे टहनियाँ जंगवाई। उसके बाद ये कुछ पेड़ बचे हैं, क्योंकि पेड़ों का वजन है जो कुछ अड़क हो गया, क्योंकि दोस्तों बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसान साथी का। देख सकते हो कम से कम भी पेड़ 100 के आसपास पेड़ वो एक बीघे 5 बीघे से साफ हो चुके हैं हफ्ते पहले, और पेड़ों के पत्ते देख सकते हो आप कितने पीले हैं। तो किसान साथी आप ये ध्यान रखें कि अपने खेत में पानी खड़ा ना होने दे बरसात का, और यदि पानी खड़ा होता है तो उसकी निकासी कोशिश करें कि उसकी निकासी पूरी पूरी करे, और हो सके तो फंगीसाइड और कारटेप, ये जो धरती है कीटनाशक हों, इनमें जरूर घेरे दोस्तों। कारटेप थोड़ी थोड़ी एक एक पेड़ में बरसाती मौसम में, और दोस्तों तरली टहनियों का ध्यान रखें आप, पेड़ से तरली टहनियाँ ना जाएंगे पहले साल। एक साल तक पेड़ पालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। एक साल जब एक साल का पेड़ पल जाए तो दूसरे साल पेड़ अच्छी ग्रोथ करेगा, आपको ये समस्याएं दूसरे साल देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी, और पहले साल ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं पेड़ गिरने की। और यदि कोई पेड़ गिरता है तो आप उसको तुरंत खड़ा ना करें, एक दिन बाद उसको रस्सी से या मोड़ी से बांध कर खड़ा कर दें, क्योंकि पहले बार में ही पेड़ की जो जड़ होती है वो एकदम टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। और पपरल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि आप किसान भाइयों को हम ज़्यादा नॉलेज दे सकें। सब कह देंगे।